उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय से एमए, राजनीतिक विज्ञान से डबल एमए करने वाली अल्मोड़ा की हंसी प्रहरी हरिद्वार में इसी हंसी के भीख मांगने की खबर सामने आई थी। अब खबर है कि सोमवार यानी 19 अक्टूबर को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान हंसी से मिले और उनकी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्हें मदद मुहैया भी कराई गई। प्रशासन के साथ ही कई लोग तत्काल हंसी की आर्थिक मदद के लिए सामने आए। क्या है ये पूरी कहानी और हंसी कौन है, चलिए हम आपको बताते हैं। हंसी प्रहरी अल्मोड़ा जिले की हबाल ब्लॉक स्थित गांव रणखीला की रहने वाली है। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी हैं। हंसी की शिक्षा इंटर तक गांव में हुई। इसके बाद वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिषद में प्रवेश ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी के तमाम शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। हंसी के बारे तो साल 2000 में वो छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष भी चुनी गई। इसके बाद वो सेंट्रल लाइब्रेरी में 4 साल तक नौकरी की। हंसी बताती है कि वो अपने ससुराल की कलह से परेशान होकर साल 2008 में लखनऊ से हरिद्वार आ गई। बहुत कमजोर होने की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाई और रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भीख मांगने लगी। उनके साथ उनका 6 साल का लड़का भी है। मीडिया का ध्यान उन पर तब गया जब वो सड़क किनारे अपने बेटे को पढ़ा रही थी, साथ ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। जब मीडिया में हंसी की तस्वीरें वायरल होने लगी तो एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा भेल स्थित समाज कल्याण आवास के महिला आवास में उन्हें कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के बाद उत्तराखंड की महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की जिसमें हंसी को मदद की बात कही गई। हंसी अपने बच्चे की शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है जो नानी के घर पर पढ़ रही है। बीते साल हाई स्कूल में उसके 97% अंक आए। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें सिर छुपाने के लिए कुछ छत मुहैया करा दे ताकि वो अपने बेटे को पढ़ा सके। वो इसके लिए कई बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुकी है।